महाशिवरात्रि पर महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस बार भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। महादेव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। मंदिर के आसपास रात होते ही श्रद्धालुओं ने अपनी जगह लेनी शुरू कर दी थी। मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में दर्शन व जलाभिषेक किया, जिसके संबंध में मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी झिंकू महाराज ने बताया कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। उन्होंने बताया कि रात्रि 3 बजे से ही श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं पर भक्तों ने बताया कि मुक्तेश्वर नाथ मंदिर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सुंदर बनाया है तथा व्यवस्था भी अच्छी की है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दर्शन करने आए श्रद्धालु विकास जायसवाल, वेद प्रकाश त्रिपाठी, गीता मिश्रा, मिथिलेश नंदिनी, अनीता पांडे तथा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी झिंकू महाराज ने कहा। आज शिव जी का विवाह हुआ था और हम मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में ये शक्ति पीठ है खड़े हैं। और मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो कि यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था किए और इतना सुंदर इस मंदिर को किए। मैं तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सबसे पहले शंभुनाथ को और उसके बाद योगी जी को, फिर मोदी जी को। हर हर मोदी, हर हर योगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ जी, मेरी शादी हुई है यहीं तुर्कमानपुर में, आज 30 बरस हो गया। मैं 30 बरस से, पहले तो मैं सेना में हमारे हस्बैंड थे, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं हमेशा दर्शन के लिए आती हूँ। और मैं तहे दिल से फिर से योगी जी को सत सत प्रणाम करती हूँ और बोलिए शंकर भगवान की जय। अब की बार योगी सरकार, हर बार योगी।
योगी सरकार। गीता मिश्रा, श्रीमती गीता मिश्रा, वाइफ ऑफ सुबेदार गोपाल मिश्रा। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसको हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं हम सभी लोग। हमेशा आते हैं कि पहली बार आए हैं? हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम गोरखपुर से ही आए हैं, लेकिन यहाँ इतने दिन रह करके नहीं आ पाए। आज जो है पहली बार आने का अवसर इनकी वजह से प्राप्त हुआ, इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था। मिथिलेश नंदनी मंडल से आया हूँ और हर हर महादेव यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है और बड़ा आनंद आया। भगवान का दर्शन करके बड़ा आशीर्वाद मिला भगवान का हमको, महादेव जी की बड़ी कृपा है। शिवरात्रि के बारे में क्या कहेंगे? शिवरात्रि भगवान शंकर का, शिव का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। इस दिन उनका विवाह हुआ था, हमारे परमात्मा परम ब्रह्म का विवाह हुआ था। इससे श्रेष्ठ हमारे जीवन में कुछ नहीं है। यही सृष्टि करता है, यही सृष्टि नियंता है, यही सब कुछ है जी। मेरा नाम वेद प्रकाश त्रिपाठी है, मैं तारा मंडल से आया हूँ। अभी मिथिलेश नंदिनी हमारी पत्नी है जिनका इंटरव्यू आपने किया। हमारा नाम विकास जायसवाल है। शिवरात्रि का ही महत्व होता है कि आज हमारे परम पूज्य महाराज बाबा देव का शाम को शादी का समारोह है और हमारा हिंदू पर्व है ये, और हमारे देव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। किस तरह की व्यवस्था की गई मंदिर में? मंदिर में व्यवस्था एक नंबर की व्यवस्था है। हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज के राज में ये 5 सालों में ये जो सुंदरीकरण हुआ है उनके सरकार में ही हुआ है। शिवरात्रि का क्या महत्व है? शिवरात्रि का महत्व ऐसा है भैया कि इसी दिन शंकर भगवान और पार्वती जी की शादी हुई थी और इसीलिए हिंदुओं का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ये तो मंदिर बहुत ही पुराना है लेकिन उतना कोई जानता नहीं था, और जब से बाबा का सरकार बना तो इसको बहुत ही अच्छे तरह से व्यवस्थित किए और यहाँ पे जागरूकता बढ़ गई। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है जब से उनकी सरकार हुई तब से। पहले तो गिने चुने लोग आते थे। नहीं, हम तो आए हैं 3-4 बार से आते हैं, जब से बाबा की सरकार हुई तब से हम यहाँ आते हैं। पहले नहीं जानते थे, इधर आए राजघाट स्नान करने तो देखे यहाँ भीड़ लगी थी, तब से हम आना स्टार्ट कर दिए और बच्चों को लेके आते हैं। क्या नाम है? अनीता पांडे, मैं देवरिया जिला से हूँ। सुनिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भोलेनाथ के शिव विवाह का ही फंक्शन है। इसमें सब लोग भगवान भोलेनाथ से मिलने आते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत को कहते हैं, मन्नत पूरा होता है। किस तरह की व्यवस्था की गई है? यहाँ अब और आगे बढ़ा गए हैं। यहाँ रात्रिकालीन शिव विवाह के पर्व में 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे भगवान के शिव विवाह के फंक्शन पर आरती और पूजा होता है। और रात्रि का पूजन करना विशेष लाभदायक होता है। रात का जागरण है, ये भी बहुत आवश्यक होता है।